नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR 9 के ऊपर और ये हमारा part 1 है इस सीरीज़ का। और ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करें हम GSTR 9 के ऊपर। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख बीत गई है और हम 3B अपनी फाइल कर चुके होंगे। अब इसके बाद 28 फरवरी तक का जो समय हम लोगों को मिला है उसमें आपको GSTR 9 या 9C की फाइलिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो ऐसा करने से पहले 9C की तैयारी कैसे करेंगे, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करेंगे तो भी हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो GSTR 9 को फाइल करने से पहले जो तैयारी है उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपकी 3B। अब चूंकि GSTR 9 आपकी एनुअल रिटर्न है तो एनुअल रिटर्न के अंदर आपकी चीज़ों की समरी आएगी, क्या आपका जो इनपुट है और आपका आउटपुट है, मतलब आपका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इनपुट का मतलब आपकी परचेस और आउटपुट का मतलब आपकी सेल्स। तो एनुअल रिटर्न जो आपकी GSTR 9 है उसमें इसी चीज़ की टैबुलेशन होनी है, इसी की कैलकुलेशन होनी है और फाइनल समरी इसी चीज़ की बनेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए वो है आपकी GSTR 3B। और 3B से आप क्या अपना डेटा निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 3B में आपकी दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है यही दोनों चीज़ें आपकी 3B के अंदर भी होती हैं, मगर इसी के साथ साथ जो रिटर्न आती है आपकी GSTR 1 इसके अंदर होता है केवल सेल्स। तो ठीक है, हम बात करते हैं 3B की। 3B के अंदर आपको मिलेगा अपना सेल्स का फिगर, आपको अपने सेल्स का फिगर ले लेना है और इसको मैच करना है किसके साथ, GSTR 1 के साथ। इसको आपको GSTR 1 के साथ अपने सेल्स का फिगर मैच करना है। सेल्स के फिगर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, या तो वो सेल्स आपकी टैक्सेबल होगी, उसके बाद ये सेल्स आपकी नॉन टैक्सेबल होगी, ये सेल्स आपकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर होगी, ये सेल्स आपकी हो सकती है एक्सपोर्ट सेल्स हो, हालांकि एक्सपोर्ट सेल्स भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर है मगर हम फिर भी इसको अलग अलग पॉइंट में ही लिखेंगे। तो आपकी टैक्सेबल सेल्स हो सकती है, नॉन टैक्सेबल सेल्स हो सकती है, एग्जेम्प्टेड सेल्स है और एक्सपोर्ट सेल्स है। अगर आपने कोई एक्सेल शीट बनाई हो इन सब के लिए तो आप वहाँ से इसको टैबुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा आपने रखा हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो आप वहाँ से भी इसको टैबुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब आपके पास ये सारी फिगर्स मिल जाएगी 3B के अंदर, आपकी जो टैक्सेबल सेल्स थी, नॉन टैक्सेबल सेल्स थी, एग्जेम्प्टेड या एक्सपोर्ट सेल्स थी, इसको आपको मैच कराना है किसके साथ, GSTR 1 के साथ। तो आप क्या देखेंगे कि क्या हमारी 3B मैच करती है 1 से। अगर ये मैच करती है 1 से, सारे फिगर्स आपके मैच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओके है ये चीज़ आपकी। मगर अगर ये आपकी 3B 1 से मैच नहीं करती है तो एक प्रॉब्लम है। अब इसको अगर हम दो पॉइंट्स में लेकर के चलें तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपकी 3B इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब आपकी जो टैक्स आपने पे किया हुआ है GSTR 3B के अंदर और 1 में रिपोर्टिंग नहीं करी है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ऐसी कौन सी आउटपुट की इनवॉइसेस थी आपको देखना पड़ेगा जो कि 1 में रिपोर्ट नहीं हुई, नॉन रिपोर्टेड। अगर समय, वैसे तो अब समय बचा नहीं है उसको रिपोर्ट करने का, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और आपको मैं बता दूं कि जो GSTR 9 के अंदर फिगर्स जाएंगी आउटपुट की वो आपकी 1 से ही जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने भले ही टैक्स ज़्यादा पे कर रखा हो मगर फिर भी आपकी सेल्स वो कम दिखा रहा होगा GSTR 9 के अंदर। उसको आप अपनी सेल्स को जो फिगर रहेगा उसको बढ़ा लीजिएगा
ताकि वो स्त्रीवी से मैच कर जाए। अब अगर आपने इनवॉइस नहीं दिया है बी टू बी किसी को, तो ये तो उसका लॉस हो गया, वो आपसे रिकवर ज़रूर कर सकता है, मगर फिर भी आप अपने रिकॉर्ड्स को अब सही कर लीजिए। आपको ये मौका मिला है एनुअल रिटर्न के अंदर, तो GSTR 9 के अंदर जो फिगर आएगा सेल्स का वो 1 से आता है, और 1 में अगर आपकी सेल्स कम गई है तो उसको आप इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर आपका 3B कम है 1 से, 1 ज़्यादा है आपका 3B कम है, इसका मतलब आपने टैक्स शॉर्ट पेड आपने कर दिया है टैक्स, तो आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, आपको DRC 03 को यूज़ करके टैक्स को पे कर दीजिए, पे टैक्स DRC 03 को आप यूज़ करके टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आपके फिगर्स मैच हो रहे हों, मगर आउटपुट टैक्स, मान लीजिए आपकी सेल्स मैच हो गई मगर आउटपुट टैक्स नॉट मैच्ड, मतलब कि रेट का अगर फ़र्क है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। GSTR 3B के ही अंदर आपकी एक चीज़ मिलती है, वो है इनपुट्स, जिसके ऊपर अभी हम विस्तृत एक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इनपुट्स की हम बात करें GSTR 3B के अंदर, तो ये आपका परचेज का फिगर है, और अब आपको ये देखना होगा कि ये फिगर आपका क्या 2A से मैच करता है, और क्या ये फिगर आपका टेबल 8A से मैच करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपने जो मान लीजिए परचेज बुक से ले रखा है, और आपका GSTR 2A में शॉर्ट है एंट्री, और टेबल 8A के अंदर भी शॉर्ट है, तो इसका मतलब आपने रिकंसलेशन अपना टाइम से नहीं किया हुआ है, और आपने अपनी पार्टी को कम्युनिकेट नहीं किया है, और वो आपको अब तक इनपुट नहीं दे पाया है, तो ये आपका एक लॉस है, इसको आपको बियर करना पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे बाद में रिकवरी के लिए कह सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि GSTR 9 के अंदर जो इनपुट्स की फिगर जाती है, वो जाती है टेबल 8A से, तो टेबल 8A के अंदर जो फिगर होगा वो ही GSTR 9 के अंदर जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका 2A के अंदर 1 लाख रुपीज़ शो हो रहा है, और आपका टेबल 8A के अंदर मान लीजिए 90,000 ही शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस पॉइंट के लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा कि भाई मेरा 2A के अंदर फिगर ज़्यादा है और टेबल 8A के अंदर फिगर मेरा कम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। वहाँ से सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है, वो लोग ठीक कर देते हैं इसको। तो जब आप अपनी परचेज इनपुट्स का फिगर 2A से और 8A से मैच कराएंगे, तो आपको ये सब बातें पता लगेंगी, और GSTR 9 जो है वो टेबल 8A से अपनी फिगर्स लेता है। 3B के अंदर जो तीसरी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, वो होती है टैक्सेस पेड। टैक्स पेड आप दो तरीके से करते हैं, नंबर 1 ITC सेट ऑफ, और जो दूसरी चीज़ टैक्स पेमेंट आप करते हैं वो होती है आपकी चालान के थ्रू। तो जब आप चालान के थ्रू टैक्स पेमेंट करते हैं या ITC सेट ऑफ करते हैं, तो ये आपको सारे फिगर्स वहाँ पर GSTR 3B के अंदर मिलेंगे, और यही फिगर आपके जाएंगे GSTR 9 के अंदर भी। तो आपको ये भी एक एक्सेल शीट बना लेनी है, या आपको टैब्यूलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है कि क्या ये फिगर्स हमारे करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर फिगर्स आपके करेक्ट जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो मैनुअली आप उनको एडिट कर पाएंगे। हालांकि फिगर्स सही ज़रूर वहाँ पर जा रहे होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इनपुट्स के ऊपर, वो है ये कि ऐसा बहुत बार होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होने के बाद हमने कई सारी ऐसी इनवॉइसेस का इनपुट ले रखा होगा। तो चलिए अपनी बात को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फाइनेंशियल ईयर जिसका हम अब GSTR 9 फाइल करने वाले हैं, वो है 1/4/2020 टू 31/3/2021।
2021 ये आपका फाइनेंशियल ईयर था, और जब आपने अपनी 31 मार्च को 31 मार्च को आपने अपनी बुक्स प्रिपेयर कर ली थी, आपकी बुक्स थी, और 20th अप्रैल को आपने मार्च का 3B भी फाइल कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, जब आपने मई का अपना 2A चेक किया, क्योंकि उस वक्त तो 2A चल रहा था, तो आपने मई का 2A चेक किया, तो आपने ये पाया कि मार्च की कुछ इनवॉइसेस छूट गई थी, आपने नहीं लिया था, जो कि इनवॉइस आप तक पहुंची नहीं थी, तो आपने वो इनवॉइसेस क्लेम नहीं करी थी। और उसके बाद पार्टी ने आपको मई के अंदर वो एंट्रीज़ दी हैं, मान लीजिए ये 20,000 रुपीज़ की ITC थी इसके अंदर, इसको आप IGST मान लीजिए, 20,000 रुपीज़ की यहाँ पर IGST की इनपुट थी, और इसको आपने माफ़ कीजिएगा क्लेम नहीं किया था, आपको ये मार्च में आप क्लेम नहीं कर पाए थे। अब आप क्या करेंगे, जो आप अपनी बुक्स में एक एंट्री तो पास कर लेंगे, क्योंकि आप अभी ऑडिट आपने क्लोज नहीं किया हुआ है, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री पास कर लेंगे 31st मार्च में परचेज की। इससे आपका क्या होगा कि बुक्स में जो इनपुट होगा, इनपुट इन बुक्स, वो आपका इंक्रीज तो हो जाएगा, बट GST पोर्टल पे डिफरेंस आ जाएगा। इसको आप सही करने के लिए क्या करेंगे, जब आप मे की 3B डालेंगे, तो आप भी 20,000 रुपीज़ IGST को मैन्युअली ऐड कर देंगे, मैन्युअली आप इसको क्लेम कर लेंगे। मगर प्रॉब्लम आती है GSTR 9 के अंदर, तो आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको नोट करके रखना है कि हमने ऐसी कौन सी इनवॉइसेस हैं जिसको हमने फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होने के बाद में क्लेम किया था, क्योंकि आपको ये वाली इनवॉइसेस स्पेसिफिकली GSTR 9 के अंदर शो करनी पड़ेगी। वहाँ पर एक कॉलम होता है ITC ऑफ करंट ईयर क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आप IGST के कॉलम के अंदर 20,000 रुपीज़ डाल देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये काम कर लेना है। सिमिलरली आपको जब हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने क्रेडिट नोट्स या फिर डेबिट नोट्स की भी एंट्री देख लेनी है कि आपने सही से उसकी एंट्री करी है कि नहीं करी है, और उसका इफ़ेक्ट आपके 3B में गया है कि नहीं गया है। इन सब चीज़ों का आपको टेबुलेशन करके देना पड़ेगा। तो तैयारी में ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको GSTR 9 के लिए करनी है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम चलेंगे पोर्टल के ऊपर, और वहाँ पर एक हम GSTR 9 आपको फिल करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको GSTR 9 के लिए तैयारी क्या करनी है, क्योंकि फाइलिंग करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।